नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक 11:05 पर राजकीय विमान से त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगे। यहाँ से शाहजहांपुर के ददरौल में दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर करीब 12:20 पर बीजेपी वापस त्रिशूल एयरबेस आएंगे। बता दें कि बरेली में करीब 3400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी करेंगे। वही आपको बता दें कि दोपहर 2:30 से विकास भवन में मंडली समीक्षा करेंगे। शाम 4:05 पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के आवास पर पहुंचेंगे। शाम 4:30 इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। शाम 4:55 पर रामायण वाटिका में हनुमान प्रतिमा का अनावरण भी सीएम योगी करेंगे। तो आपको बता दें कि 275 करोड़ की सौगात आज सीएम योगी देंगे। बरेली और शाहजहांपुर का आज सीएम योगी का दौरा है। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी के दौरे चल रहे हैं। इस दौरे के दरमियान 275 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इंडोर स्टेडियम का भी आज उद्घाटन सीएम योगी बरेली और शाहजहांपुर में करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज बरेली और शाहजहांपुर का दौरा है, जिसमें 275 करोड़ की सौगात सीएम योगी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी का शाहजहांपुर और बरेली दौरा है, क्या कुछ खास होने वाला है इस दौरे में? बिल्कुल स्वप्निल जी, पहले आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि जो सीएम योगी का शाहजहांपुर बरेली का दौरा है जी, तो बरेली में वो 205 करोड़ नहीं बल्कि 3405 करोड़ यानी 3405 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं। देखिए, सीएम योगी जब लखनऊ से रवाना होंगे तो सबसे पहले वो शाहजहांपुर जाएंगे और शाहजहांपुर के ढकिया इलाके में जो ददरौल से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के मानवेंद्र सिंह, उनका हाल ही में निधन हुआ था, तो उनके घर जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शोक संतप्त जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं ढांढस बंधाएंगे। इसके बाद वो सीधे वहां से बरेली के रवाना होंगे और बरेली में जाकर सबसे पहले जो जनसभा है उस जनसभा में वो सम्मिलित होंगे और उस जनसभा में जो 3405 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होना है उसमें से जो 2700 यानी 2700 करोड़ की 57 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसी जनसभा के दौरान, और उसके बाद 705 करोड़ की जो विकास कार्यों का लोकार्पण है वो सीएम योगी के हाथों किया जाएगा। इसके बाद का उनका कार्यक्रम है कि वो जो कानून व्यवस्था है उसको लेके समीक्षा बैठक और विकास कार्यों को लेके समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो जो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार वन मंत्री है अरुण सक्सेना, उनके आवास पे जाएंगे और उनके आवास के बाद वो एक वन वाटिका है वहां पे जाएंगे और भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे जी। आज क्या कुछ डे प्लान होने वाला है और ये दौरा कितना खास हो साबित होगा बरेली और शाहजहांपुर के लिए दिवाकर, क्योंकि लगातार सीएम योगी के किसी ना किसी क्षेत्र और जिले में लगातार दौरे चल रहे हैं। तो खबरें आ रही है कि 300 करोड़ की सौगात भी देंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो ये क्या कुछ खास होने वाला है आज? संपर्क टूट गया है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसके लिए अयोध्या से लेकर पूरे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस बीच आज अयोध्या में बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तांबड़े और तरुण जुग देर रात लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए अब रवाना हो गए हैं। बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों पर चर्चाओं में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार अब अयोध्या में राम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में अब बीजेपी के कई नेता बैठक कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक विशेष दिन है। इस दिन
देश दुनिया में इतिहास रचेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मंत्री आज बड़ी बैठक करेंगे। अयोध्या में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, इसमें कई नेता शामिल होंगे और आज प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं होंगी। क्या कुछ व्यवस्था होगी सुरक्षा की और क्या कुछ जानकारी होगी, ये आज इस बैठक में सामने आ जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ बैठक होने वाली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, आज ये बीएल संतोष की बड़ी बैठक होने वाली है और बीजेपी के कई नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला अयोध्या विराजेंगे तो क्या कुछ खास होने वाला है। लेकर के 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी बैठक आज होने वाली है। सचिव हाउस में आज बैठक होगी बड़े पदाधिकारियों के साथ में। जिले के 22 जो बड़े बड़े जिले हैं वहां से दो दो पदाधिकारी को बुलाया गया है कि अयोध्या पे बैठक, जो चुनावी रणनीति है उसको तैयार करने के लिए, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने के बाद में 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत खास दिन है कि आज ही वो रूट मैप तैयार करेंगे कि जिस तरीके से कि 2024 में किस तरीके से हम चुनाव जीते हैं उसका जो तय होना है वो आज ही तय होगा। और बड़े पदाधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम सीएम की बात करें, पीएम की बात करें, तो सबका दौरा लगातार अयोध्या में लगातार चल रहा है। और आज कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं ऊर्जा के मंत्रालय से आया हुआ है जिनका आज लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे कई भी प्रोजेक्ट है जिनका लोकार्पण किया जाएगा और क्या नाम है बड़ी बैठक करेंगे आज अयोध्या जी। इस बैठक में किन किन बातें सामने निकल के आएंगे कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्या व्यवस्थाएं अयोध्या में की जाएंगी जब रामलला का आगमन होगा, क्या कुछ जानकारी है शक्ति इस बारे में? जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेके तो बैठकें तो लगातार हो ही रही है। कल जबकि कल मुख्यमंत्री आए हुए थे अयोध्या के दौरे पर, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेके बड़ी बैठक की थी। उसी तरीके से आज भी रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरीके से 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने वाले, पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर है, तो उसको लेके सुरक्षा व्यवस्था को लेके तो चार चौबंद है यहाँ पे सारे लोग। और व्यवस्था जो है वो लगातार देखी जा रही है, जो वरिष्ठ अधिकारी है खुफिया विभाग के अधिकारी है सब लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, बैठक में बैठ रहे हैं सारे अधिकारी। और आज भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की जाएगी, जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहेंगे, उनको भी निर्देश किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी शक्ति, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अयोध्या में, क्योंकि अब रामलला विराजने को है, 22 जनवरी जो दिन है वो अब बेहद नजदीक आ गया है। जी, जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी का कार्यक्रम एकदम पास में आ गया सर पे है जी, अधिकारियों के पांव फूल रहे हैं, उसमें अधिकारी लगातार दिनों रात काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितने कार्य थे उनको संपन्न किया जा रहा है, छोटी मोटी जो कार्य है उनको लगाया जा रहा है, बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है अयोध्या में। अयोध्या में लोग पर्यटन भी आ रहे हैं और 45 ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा 22 जनवरी के लिए, और पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है जी। जहाँ पर अगर हम आपको बता दें कि अयोध्या एकदम दुल्हन की तरीके 22 जनवरी को सजा दिया गया है, पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर है, या मीडिया से लेकर के नेता हो चाहे अभिनेता हो, सारे लोग अयोध्या में आए हुए हैं इस टाइम और सब कवरेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं लाइव। अयोध्या की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर लोग मौजूद है और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। अगर बात की जाए कि अब कलयुग में भी त्रेता युग जैसे अयोध्या को सजा दिया गया, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं शक्ति, पूरा देश ऐसे ही सजा हुआ है कि मानो रामलला अब त्रेता युग में ही आगमन करने को है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अयोध्या से? जी, त्रेता युग की अगर हम बात करें तो जो उनके वंशज हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को नदी से नाव से पार लगाया था, उनके वंशज जो है मल्ला, वो लोग अपनी नाव 22 जनवरी को फ्री करने वाले हैं। यहाँ पे अगर चाय वालों से बात करते हैं तो वो भी सारे लोग फ्री कर रहे हैं, कोई क्या फ्री कर रहा है, सब प्रभु श्री राम जी के आगमन पे पूरा सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार है। और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं अयोध्या में वो तो 22 जनवरी को देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो प्रभु श्याम जी की सजावट की बात है और लोग यहाँ पे भूखे ना रहे, जिस तरीके से लोग की गैदरिंग ज्यादा होने वाली है अयोध्या में,
उसको लेकर के खासा तैयारी की गई कि कोई भूखा ना रहे। अगर आगे ये पशु पक्षी की ही बात करेंगे तो उनको भी उनको अलग से भोजन दिया जाएगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, लोगों को छोड़ के पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से राममय पूरी अयोध्या दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। जी शक्ति, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी के चलते लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी में कोहरे और शीत लहर के साथ ही लगातार हो रही बारिश का डबल अटैक प्रदेशवासी झेल रहे हैं। सर्दी में बारिश होने की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर भी पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में बर्फीली हवाएं यानी कि शीत लहर की तीव्रता में भी तेजी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। इस बीच अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। आज मौसम शुष्क रहने के अनुमान भी जताए जा रहे हैं कि कई जगह मौसम शुष्क भी रहेगा। अब देखना होगा कि सर्दी का और कोहरे का जो डबल अटैक है वो कितना असर दिखाएगा, क्योंकि लगातार बर्फीली हवाएं बढ़ती जा रही हैं। बर्फीली हवाओं के साथ गलन ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण लोग ठिठुरन और जीव जंतु परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदेश में ठंडी बढ़ती जा रही है, देश भर में ठंड का कहर जारी है। वहीं बर्फीली हवाओं के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि आज का दिन कई इलाकों में शुष्क होने वाला है। यूपी में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। बीती शाम लखनऊ यानी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में बारिश हुई, भारी बारिश देखने को मिली, जिसके बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया और बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुरने लगे। वहीं बर्फीली हवाओं, बारिश और कोहरे का सितम अब लगातार जारी है। ये अटैक देखने को मिल रहा है, लोग घरों में ही बंद हैं क्योंकि बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है और गलन बढ़ने के कारण जीव जंतु के साथ साथ मनुष्य अपनी कार्यशैली भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ठंड के सितम में अब कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि सर्दी और कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगर आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही सुरक्षित रहें, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शीत लहरों और बर्फीली हवाओं से बढ़ती गलन अब चिंता का विषय बन रहा है। आपको बता दें कि सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है और बारिश के बाद लखनऊ का जो तापमान है, आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी का जो तापमान है वो गिर गया है और इसके बाद से ठंडी ने बेहद दस्तक दे दी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है और बढ़ता कोहरा अब आम जनता के लिए और जनता के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए परेशानी का कारण बन गया है और ये सितम अब जीव जंतु इससे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में ठंड का सितम अब जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। बर्फीली हवाओं ने लगातार लोगों को परेशान कर रखा है। बारिश के बाद राजधानी का तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी का तापमान लगातार बारिश के बाद लुढ़कता जा रहा है और ये बारिश का सितम लगभग एक हफ्ते तक, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि लगभग एक हफ्ते तक ये बारिश हो सकती है। और सिर्फ यूपी नहीं, यूपी समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश और ठंड का सितम लगातार जारी है। यूपी के कई जिलों में व्यवस्थाएं भी देखी गई। आपको बता दें कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन व्यवस्थाओं में नगर निगम की कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली है, तो कई जगह बस खाना पूर्ति के लिए ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ठंड के सितम में आखिर कैसे इंसान खुद को बचाए, अब ये एक चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि व्यवस्थाओं का जो सीधा लाभ है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लगातार कई जिलों से हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि व्यवस्थाएं अभी नगर निगम के द्वारा सही ढंग से, सही तरीके से नहीं की जा रही है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर्दीली हवाओं ने गलन बढ़ा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से धनेश और सुल्तानपुर से आशुतोष जुड़ चुके हैं। तो धनेश जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है सर्दी का सितम, क्योंकि लगातार यूपी में सर्दी बढ़ती जा रही है, बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ठंडी हवाएं सर्द हवाएं चल रही है और गलन हो रही है जी। क्या लोग सवालियाँ का वेट कर रहे हैं, 40-25 खाली पड़े हुए, 10-10 हो रहे हैं। इस समय सड़कों में चहल पड़ जाती है, लेकिन ठंड और जो कोहरे पड़ रहे हैं, ठंड पड़ रहे हैं, इससे लोग आम जनमानस से पूरा अस्त है और इनको जरूरत है, बहुत ही जरूरत है घर सड़कों से और बाहर घर से निकलने हैं, वरना बाहर नहीं निकलने हैं। तब आप इसे देख सकते हैं, लोग चाय की कुर्सियों से अपने आप को गर्म कर रहे हैं। बाकी जाए व्यवस्था की अलाव की व्यवस्था या कमल की व्यवस्था, रैन बसेरे मुख्यमंत्री खुद ही यहाँ दो दिन के दौरे पर थे, उन्होंने खुद यहाँ पे आके रैन बसेरे का जायजा लिया। अलाव जहाँ जा रहे हैं संबंधित अधिकारियों को साथ में, उनके नगर आयुक्त भी थे, महापौर भी थे, अलाव की व्यवस्था को उन्होंने करने की बात कही। आम जनमानस से किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, जो बाहर से आने वाले हैं स्टेशन पे या और भी बस स्टेशन पे जो लोग आने वाले हैं बाहर से, देर रात हो जाती है, उनके लिए जो है रसोईयों का व्यवस्था किया गया है, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं है। मुख्यमंत्री खुद जी दिनेश, आशुतोष जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर में सर्दी का सितम कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनजीवन अव्यस्त व्यस्त हो गया है, यूपी में लगातार ठंड का कहर जारी है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं, सुल्तानपुर में ठंड को लेकर वाकई ठंड तो बढ़ गई है, जिस तरह अभी जनवरी के महीने से शुरुआत से ही जहाँ जहाँ कुछ इलाकों में जो बारिश हुई है, वो बारिश का भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जो है जहाँ पे बारिश हुई है, जिस जगह बारिश हुई है वहाँ पे ठंड के सितम को जो है ज्यादा देखने मिली, इसके साथ जो है बर्फीली हवाओं भी चल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की कुछ हद तक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ हद तक प्रशासन की व्यवस्था नहीं मिल रही है। अलग ही अगर बात करते हैं, देखा जाए तो जिस तरह जो है ठंड का सितम चल रहा है, हर चौराहों पे हर नुक्कड़ पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर जो है जो भी मुसाफिर आते हैं, बाहर के यात्री जो भी आते हैं, वो ठंड से बचने की कोशिश करें और उनको अलाव की सहारा भी मिल सके। जी धनेश, जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में धरातल की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम अब कितना सचेत है, क्योंकि अब तो सर्दी एकदम चरम पर है, अगर अब भी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है धरातल पर, तो ये एक बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद आपके अधिकारियों से बात करते हैं, मुख्यमंत्री का जो जनपद गोरखपुर है और कहीं ना कहीं अगर कमियां रहती हैं तो उनके पास संदेशा पहुंच जाता है और अधिकारियों को दांत पत्कार लगाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त यहाँ पे है, कुछ दिन अलाव नहीं गई थी, लेकिन व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है। और बाकी अगर ठंड सर्द जो सर्द पड़ रही है तो जिला अस्पताल में अगर देख लिया जाए तो वहाँ भी सिकुड़ी के मेले का लाइन लगा हुआ है, लोग सर्दी से जो दिक्कतें हैं, बच्चे बूढ़े और जो है खासकर बच्चे बूढ़े जो उनको दिक्कतें हो रही है, तो वहाँ भी लाइनें लगी हुई है, लोगों को मरीजों की लाइन लगी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर न निकले, गर्म कपड़े ओढ़ कर निकले और गर्म पानी पिए, और खास कर बच्चों बूढ़ों में खासकर उनको ध्यान दिए जाए कि किसी भी तरीके से अपने आप को ठंड से बचाएं। व्यवस्थाओं की बात करिए, व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कतें हैं, रैन बसेरे भी यहाँ पे सारी प्रस्तुत है, मुख्यमंत्री ने दौरा करके सारी व्यवस्थाएं रखी है। अधिकारी रोज रात में दौरे में निकलते हैं कि कोई बाहर सड़कों पे ना सोए, ठंड ना लगे, कंबल लेके निकलते हैं, कंबल की व्यवस्था खुद लेके निकलते हैं, उन्हें कंबल में मुहैया कराते हैं। जी आशुतोष जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर में अगर धरातल की व्यवस्थाओं की बात की जाए, अगर नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो नगर निगम कितना सक्रिय है, क्योंकि निम्न वर्ग के लिए लगातार सरकार कुछ ना कुछ जरूर कर रही है, व्यवस्थाएं कर रही है। अब सर्दी चरम पर है, तो अगर ऐसे में भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती है तो ये तो बड़ा विषय है और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। तो क्या कुछ जानकारी है सुल्तानपुर में धरातल की व्यवस्थाओं को लेकर? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। धरातल की जो व्यवस्था को अगर लेकर बात करते हैं, कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जगह जगह पे वो कम्बल वितरण का काम करते हैं, और कुछ ऐसे समाज सेवी हैं वो गरीबों को तत्को जो है राशन भी खिलाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर समाज सेवी कुछ अगर आगे कदम उठा रहे, बढ़ा रहे हैं, गरीबों को कम्बल दे रहे हैं या स्वेटर की व्यवस्था दे रहे हैं या कपड़े की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी उसको देखकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। अभी हाल में
सुल्तानपुर के जो है तहसील में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे देखा गया था साक्षात जो है कुछ गरीब वस्तु वहाँ पे बैठे हुए थे जिनको जो है कम्बल ना मिलने की वजह से वो आक्रोश दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर सही ढंग से अगर माने लगता है रूटीन पे अगर जो है लगातार जिलाधिकारी हो गए या कप्तान साहब हो गए या उनके अलावा नगर पालिका की टीम हो गई अगर लगातार ये भ्रमण करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या को देखना चाहिए और किस तरह की समस्या को लेकर यहाँ पे ठंड पे लोग जूझ रहे हैं उन लोगों की भी कोई ना कोई व्यवस्था करानी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधूरी जो है बात रह जाती है वहाँ पे जो है ना अलाव की व्यवस्था ना रहन बसोरी की व्यवस्था सही ढंग से हो पाती है ना वहाँ पे जो है कम्बल मिल पाते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यूपी में सर्दी का सितम जारी है, सर्दी और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। इसके साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से गलन और बढ़ गई है, लखनऊ का पारा जो है वो लुढ़क कर नीचे आ गया है। आपको बता दें कि सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लगातार जनजीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं ठंड के कारण। लोगों की कार्यशैली भी प्रभावित हुई है क्योंकि ठंड की वजह से सर्दी की वजह से लोग घरों में पहुंच गए हैं, घरों के अंदर ही रहने के लिए मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अगर आवश्यकता हो तभी आप घरों से बाहर निकले अन्यथा घर के अंदर रहें, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आज का दिन शायद कई इलाकों के लिए शुष्क रह सकता है लेकिन बारिश की संभावना अभी एक हफ्ते तक जताई जा रही है। यूपी में जो सर्दी का सितम है वो एक हफ्ते तक जारी रहेगा, सर्दी कोहरे और बारिश का ये अटैक अब लगातार देखने को मिल सकता है। यूपी ही नहीं बल्कि यूपी के साथ दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में अब पारा लुढ़क सकता है और ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए चेतावनी दी गई है कि मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि आवश्यकता होने पर ही आप घर से निकले वरना ठंड के इस मौसम में बर्फीली हवाओं के गलन के मौसम में आप घर पर ही रहें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कानपुर में सर्दी का क्या सितम देखने को मिल रहा है? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आज शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिस तरीके से यहाँ पर शीतलहर चल रही है वहां पर जितने भी कानपुर की जितनी भी जनता है उनको काफी सर्दी का जो है सर्दी को झेलना पड़ रहा है, सर्दी को कोई काम नहीं कर पा रही है यहाँ की जनता। यहाँ पर आपको दिखाना जी देख सकते हैं कि हमारे पीछे अपने सहयोगी कहेंगे गली में दिखाए पूरी गली में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है, सर्दी की जो भी व्यक्ति है वो सब अपने अपने आई और बजाई गद्दों में दुबके बैठे हुए हैं, आग में बैठे, आग ताप रहे, आग के पास बैठ के आग ताप रहे। हम अपने सहयोगी कहेंगे आप यह दिखा सकते हैं बगल में एक लोग देख सकते हैं किस तरीके से अपने आग तापने की व्यवस्था कर रहे हैं, लकड़ी को चीर रहे हैं, बगल के जंगलों से ला करके लकड़ी लोग चीर करके किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ठंड से बचाने काम कर रहे हैं। जी अगर बात की जाए आशीष कानपुर में धरातल की व्यवस्थाओं की, क्योंकि सरकार लगातार निम्न वर्गों के लिए व्यवस्थाएं कर रही है लेकिन नगर निगम की वजह से कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि अब ठंडी बढ़ती जा रही है, अब ये ठंड चरम सीमा पर पहुंच गई, अगर अभी भी व्यवस्थाएं नहीं है आशीष तो ये सोचने का विषय हो सकता है, तो कानपुर में इसकी क्या जानकारी है? कि आपको बता दें कानपुर में जिस तरीके से जिला प्रशासन को काम करना चाहिए था सर्दी से क्षेत्रीय जनता को या कानपुर की जनता को कह लें कानपुर जनता को सर्दी से बचाने के लिए चौराहों पे अलाव का व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन जहां के जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही किसी अलाव की व्यवस्था की गई, ना चौराहों पे किसी अलाव के लिए व्यवस्था की गई, ना ही सर्दी से बचाने के लिए किसी के लिए कोई मदद की जा रही है। और यहाँ खास तौर से आप देखा जाए बता दें कि नगर निगम की पूरी तरीके से इतनी लापरवाही है कि नगर निगम किसी भी तरीके से यहाँ जो कानपुर की जनता है उनको जरा सा भी उनका ध्यान नहीं देना है, जबकि योगी सरकार का साफ कहना है कि हमारे क्षेत्र की जनता को किसी तरीके से हमारे राज्य की जनता को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खासतौर से सर्दी के मौसम में जहाँ की काफी गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और आग की खासतौर से उनको पूरी आग जो सर्दी में जो आग की सबसे ज्यादा अहम जो जरूरत होती है उस आग की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा किस तरीके से वो लोग अपने काम को भी नहीं कर पा रहे हैं इसी सर्दी में। जी आशीष, आपको
जी हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हो रही है नगर निगम वाले कोई चौराहे पे आग जलाने की लकड़ी अपनी सुविधा नहीं करेंगे। अच्छा, जिस दाम में यहाँ सर्दी हो रही है तो सर्दी में आप लोग का कैसा काम धंधा करना चल रहा है? आप लोग कैसे अपने ड्यूटी को कैसे अंजाम दे रहे हैं? आप देख सकते हैं कि हम बता रहे हैं कि सर्दी की वजह से। आशीष, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। सर्दी बारिश और कोहरे का ये जो अटैक है अब वो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अगर धरातल की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कई जगहों से हमने आप तक खबर पहुंचाई है कि अभी नगर निगम यानी कि धरातल पर जो ठंडी की व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिल रही है। लोग ठंडी से परेशान हैं, सर्दी से परेशान हैं, ठंड उनके लिए अब सितम बन चुकी है। परेशानी का जो सबब है अब वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसलिए अब लोगों की गुजारिश है सरकार से कि अब सरकार जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर एक्शन ले। ये बेहद अहम बात है क्योंकि सरकार की ओर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। अब वो व्यवस्थाएं आगे क्यों नहीं पहुंच रही है, कैसे नहीं पहुंच रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी लगातार कि व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। वहीं क्योंकि यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता जुशांत जुड़ चुके हैं। जुशांत, जानना चाहेंगे कि आगरा में ठंड का जो सितम है वो क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी के कई इलाकों में बर्फीली हवाएं देखने को मिल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है जिसके कारण गलन बढ़ गई है। तो आग्रह के क्या हाल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे ही ताजनगरी आगरा में भी है। अगर हम बात करें पिछले दिनों की, पिछले दिनों में लगातार शीतलहर और कोहरे को देखते हुए ताजनगरी आगरा के लोगों में काफी परेशानी का कारण बना था, जिससे जो लोग हैं अपने घरों से निकल रहे थे उनमें भी काफी परेशान दिख रहे थे। हालांकि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जरूरी जो जरूरत होती है उनके लिए निकल रहे हैं, वही अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर हम जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी खास ताजनगरी आगरा में व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल और जैसे कि तमाम ऐसे अन्य स्थान होते हैं जहां पर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं देखी नहीं जा रही हैं। वहीं अगर हम ताजनगरी आगरा की बात करें तो ताजनगरी आगरा में जिस तरीके से लगातार कोहरा और जो शीतलहर थी, जो गलन वाली ठंड से लोगों में काफी समस्याएं देखी जा रही थी, अब वह आज जो मौसम है, मौसम में बदलाव हुआ है, तब्दीली हुई है, जिससे लोगों में राहत है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, आज ठंड मौसम में बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे? लगातार ठंड थी, मौसम में बदलाव तो अब से आगे धूप दिखती है और सुबह से इस बार ये हाल है कि दुकान पे आना हमारा जो मुश्किल हो गया है। ये समझिए कि शहर के मारे ना तो काम धंधे पे जा पा रहे हैं ना ही तुम्हारी। आज मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम खुला है, क्या कहेंगे? आज थोड़ा सा मौसम खुला है लेकिन फिर भी ठंडी हवाएं तो चली रही है, गलन वाली ठंड है, गलन वाली सर्दी है और बहुत ज्यादा तुम्हारी गलन वाली शहर उसको भूल दे रही है, नहीं निकला जा रहा घर से ही है। लेकिन ये आज थोड़ी सी धूप दिख रही है, थोड़ी रात में मिल रही है। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है लगातार एक सप्ताह से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी था लेकिन आज मौसम ने तब्दीली ली है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे, आज साफ तौर से सूरज भी निकल रहा है और आप देख सकते हैं ताजनगरी आगरा में जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि आज राहत मिली है। एक भैया है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, लगातार शीतलहर थी, कोहरा था, गलन वाली ठंड थी, आज मौसम खुला है, क्या कहेंगे? मौसम सही है, बस हवा तो बहुत ज्यादा चल रही है और इसकी वजह से ठंड भी बहुत है। घर से रुकवा तो निकलने नहीं पर हमें तो आना पड़ता है, क्या करा जाए। थोड़ा बहुत यही है कि मौसम तो आज सही है वैसे पहले से। तो देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही थी, जिशान, जैसा कि व्यवस्थाओं की आपने बात की कि नगर निगम की तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, आखिर प्राइम टीवी प्रमुखता से इस खबर को बार बार दिखा रहा है कि नगर निगम और अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है निम्न वर्ग के लोगों के लिए, वो क्यों नहीं पूरी की जा रही है? इसके बाद भी लापरवाही देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है कि क्या ये अधिकारियों की मिलीभगत है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्राइम टीवी इस मुद्दे को लगातार जब से ठंड का प्रकोप प्रदेश में और ताजनगरी आगरा में देखने को मिल रहा है, प्राइम टीवी लगातार आगरा का इस मुद्दा उठा रहा है, जो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे कि आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर खुले आसमान के नीचे लोग ठिठरते हुए अपनी रात बिताते हैं, ये मुद्दा भी लगातार प्राइम टीवी ने उठाया था। हालांकि नगर निगम की ओर से जो व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो वहाँ खाना पूर्ति की व्यवस्थाएं की जाती है, नगर निगम ने कुछ प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद नगर निगम ने कुछ ऐसी स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर जो रैन बसेरे की व्यवस्था है, लेकिन वो कह सकते हैं कि कागजों में दिखाने के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसी कोई खास व्यवस्थाएं देखी नहीं जा रही है, ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी साफ तौर से निर्देश है कि हर जिले के अंदर जो रैन बसेरे हैं वहां पर सर्दी को लेकर व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए जुजान बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों